नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार लाइव नाउ। वैश्विक कोरोना महामारी जो कि धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, दूसरा चरण इसका चल रहा है, दूसरी लहर, तीसरे लहर की बात हो रही है कि तीसरा लहर भी आएगा तो क्या होगा। अभी जो स्थितियों को देखें तो स्थितियां भयावह हो चुकी है। भारत जैसे देश में, ख़ास तौर पर जहां जो कृषि प्रधान देश है, जहां की 70% जनसंख्या कृषि पर आधारित है, वहां के की हालात धीरे धीरे अब बद से बदतर होती जा रही है। ऑक्सीजन की कमी आपको हमेशा दिख जाएगी, हर न्यूज़ चैनल में आप इसकी खबर सुन रहे होंगे कि ऑक्सीजन की कमी है, लोग इससे मर रहे हैं। हालात इतने ख़राब क्यों हो गए, हालात इतने बद से बदतर क्यों हो गए, इस पर हम आज बात करेंगे। और ये दूसरा जो चरण चला, इसकी जो दूसरी लहर है, अभी पीक पर आना बाकी है। जैसा कि विशेषज्ञों का कहना है कि महाराष्ट्र जैसे जगह पर ये अभी पीक पर चल रहा है और पीक पर चल के अब धीरे धीरे उतर रहा है। लेकिन अगर दिल्ली, यूपी, बिहार, पंजाब, इन सब जगहों की बात करें तो यहाँ पर अभी कोरोना दूसरे लहर में पीक पर नहीं आया है। ये पीक पर आएगा तो क्या होगा और तीसरी लहर क्या है, इस सारे चीज़ों पर आज हम विश्लेषण करेंगे। आपको बताएंगे कि दूसरी लहर इतनी भयावह हिंदुस्तान के लिए ही क्यों हो गई और तीसरी लहर कब आएगी, इसमें क्या त्रासदी होगी, इन सारी चीज़ों पर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट मसला है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर आज हम बात कर रहे हैं। दूसरी लहर, अगर विशेषज्ञों की माने, डॉक्टरों की माने, WHO की माने, उनका कहना है कि भारतीयों ने कहीं ना कहीं कोरोना को मजाक बना कर रखा, लापरवाही की, जिसके कारण दूसरी लहर इतनी तगड़ी भारत में आ चुकी है। एक साल पहले पहली लहर आई थी, आप सबको याद होगा, मार्च के एंड में भारत में इसका प्रवेश हुआ था और तब से ये त्रासदी जारी है। सरकार की लापरवाही और साथ साथ यहाँ के जनता की लापरवाही, दोनों की लापरवाही के कारण ये जो दूसरी लहर आई है उसमें हिंदुस्तान बहुत इफेक्टिवली नुकसान के कागार पर पहुंच चुका है। 2 करोड़ से भी ज़्यादा लोग इसकी चपेट में आए और आगे अभी हम आपको पहले ये दूसरी लहर में कौन कौन से देश हैं इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि दूसरी लहर का इफ़ेक्ट किन देशों पर ज़्यादा पड़ रहा है और कौन से देश नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 में। नए केसेस में अगर आप देखेंगे तो दूसरी लहर में पूरे वर्ल्ड में नए केसेस में अभी यूक्रेन सबसे ऊपर नंबर 1 पर है। यूक्रेन में अभी फ़िलहाल सबसे ज़्यादा केसेस मिल रहे हैं, यूक्रेन नंबर 1 पर है। वहीं रशिया दूसरे नंबर पर है, फिलीपींस तीसरे नंबर पर है और हिंदुस्तान 4th पर है नए पॉजिटिव केसेस के मिलने के सिलसिले में। अब वहीं हम अगर डेथ रेशियो की बात कर ले कि मौतों के अनुसार पूरे विश्व में कौन सा देश कितने नंबर पर है, ये भी आप समझ लीजिए। मौत के अनुसार जहां सबसे ज़्यादा डेथ हुए हैं पहले और दूसरे चरण दोनों को अगर मिलाकर देखें तो अमेरिका में सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं, 5 लाख प्लस मौतें वहाँ पर अब तक हो चुकी हैं। वहीं दूसरे नंबर पर मौतों में ब्राज़ील है जहाँ 4 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इंडिया तीसरे नंबर पर है मौतों के सिलसिले में, मौतों के आप रेशियो में कहेंगे तो पूरे विश्व में हिंदुस्तान अभी तीसरे नंबर पर है जहाँ 2 लाख प्लस लोगों की मौत हुई है। मैक्सिको 4th पर है जहाँ वहाँ भी 2 लाख प्लस मौतें हुई हैं। UK में 1 लाख प्लस मौत, इटली में 1 लाख, रशिया में 1 लाख से ऊपर और फ्रांस में 1 लाख से ऊपर। तो मौतों के सिलसिले में भी आप देखेंगे कि भारत तीसरे नंबर पर है और नए मरीजों के मिलने में भारत 4th पर है। वहीं अब बात करते हैं रिकवरी रेट की, ठीक हुए मरीजों की संख्या, अब हम उस पर आ जाते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात होती है कि रिकवरी रेट की बात करना, रिकवरी रेट की लोग बात नहीं करते हैं ख़ास तौर पर, क्योंकि इससे पैनिक क्रिएट नहीं होता है, इससे हैवॉक क्रिएट नहीं होता है। कोरोना है, कोरोना है, कोरोना है, मर रहे हैं लोग, भर्ती हो रहे हैं,
तबीयत खराब हो रही है, ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन ठीक भी हो रहे हैं, उसके बारे में भी चर्चा करना लाजमी है, उसके बारे में भी चर्चा होनी चाहिए, जिससे कि लोगों का डर थोड़ा कम होगा। आपको हम बताते हैं, रिकवरी रेट में USA सबसे ऊपर है, मतलब अमेरिका यहाँ भी सबसे ऊपर है। 2 करोड़ से ज़्यादा लोग अमेरिका में ठीक हो चुके हैं। वहीं अगर इंडिया की बात करें, भारत की बात करें, तो भारत में 1,76,00,000 लोग अब तक रिकवर होकर, ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। ब्राज़ील तीसरे नंबर पर है, 1,35,00,000 लोग ब्राज़ील में ठीक हुए हैं। तुर्की में 46,00,000, रशिया में 44,00,000, यूके में 42,00,000। इस तरीके से ये रेशियो है। अब आपको हम बताते हैं कि टेस्ट कहाँ पे क्या हुए हैं। देखिए, टेस्ट जहाँ पर होंगे ज़्यादा, वहाँ पर मरीज़ों की संख्या भी ज़्यादा पता चलेगी। टेस्ट कम होंगे, मरीज़ों की संख्या भी कम पता चलेगी। 130 करोड़ से भी ज़्यादा वाले देश भारत में टेस्ट कितना हुआ है, ये सब आप जानना चाहेंगे। तो आज तक का जो ये रिकॉर्ड है, उसमें हम आपको बताएंगे कि आज तक टेस्ट कितने हुए हैं। 29,46,1,699, 130 करोड़ से ज़्यादा आबादी वाले देश के सिर्फ 29,46,00,000 लोगों का टेस्ट हुआ है। वहीं अमेरिका की बात करेंगे, जहां मात्र 33-34 करोड़ जनसंख्या है, वहां पर 45,44,00,000 लोगों का टेस्ट सैंपल लिया जा चुका है, उनके टेस्ट्स हुए हैं। वहीं यूके और चाइना में 16-16 करोड़ लगभग टेस्ट हुए हैं। तो ये दूसरे फेज़ में हम आ चुके हैं, दूसरी लहर। दूसरी लहर में इंडिया सेकेंड नंबर पर है, भारत का स्थान जो है एक्टिव मरीज़ों का, वो सेकेंड नंबर पर है। 21,49,1,598 इतने अब तक पॉजिटिव मरीज़ भारत में दूसरे और पहले चरण को मिलाकर कोरोना के हैं। रिकवर भी हुए हैं लोग। मौतों की अगर बात कर ले तो मौतें कितनी हुई हैं, 2,34,083 मौतें अभी तक भारत में हुई हैं। दूसरा लहर भारत पर ही आकर क्यों टूटा? भारत दूसरे लहर में अगर आप कहें तो एक बड़ा देश है, जहां पर दूसरे लहर की त्रासदी बहुत बड़े स्तर पर देखी जा रही है। विशेषज्ञों की बात करें, वैज्ञानिकों की बात करें, डॉक्टर्स की बात करें, उनका कहना है कि सरकार ने और भारत की जनता ने कोरोना गाइडलाइन के नियमों की धज्जी उड़ाई। आपके यहाँ मार्च 2020 में कोरोना आ चुका था। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक आप कोरोना से पीड़ित थे, वहाँ मरीज़ें थी अगस्त तक, भले ही कम हो, लेकिन उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद आपने सारे गाइडलाइन को एक तरफ रख दिया और अपने जीवन में, नॉर्मल जीवन में व्यस्त हो गए। न मास्क पहना, न अपनी इम्यूनिटी सिस्टम का हाल देखा। आपकी इम्यूनिटी सिस्टम ठीक नहीं हुई, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बस जस की तस रह गई, उसे आपने बढ़ाने की कोशिश नहीं की। आप अभी वैक्सीन लेते हैं, वैक्सीन क्या करता है? वैक्सीन ऐसा नहीं है कि कोरोना हटा देता है, या आपको वैक्सीन लेने के बाद कभी कोरोना नहीं होगा। ये जो भी बोलते हैं कि वैक्सीन ले लीजिए आपको कोरोना नहीं होगा, ये गलत बात है। वैक्सीन कोरोना को ख़त्म करने के लिए नहीं है, वैक्सीन कोरोना से बचने के लिए है, जो कि आपको दिया जाता है। वैक्सीन लेते हैं, आपके अंदर की इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिससे आप कोरोना वायरस के संक्रमण से लड़ सकते हैं, उससे बच सकते हैं। वो आपके शरीर में अगर प्रवेश करता है तो आपके शरीर पर उतना घातक प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसका मतलब यही है। इसीलिए जो लोग वैक्सीन ले रहे हैं सेकेंड डोज के बाद, उनको खतरा कम होगा। फर्स्ट डोज में नहीं, सेकेंड डोज जब आप ले लेंगे उसके बाद उसका खतरा कम होगा। अब हम बात करते हैं तीसरी लहर की। तीसरी लहर। आपने हर चैनल में, हर जगह तीसरी लहर की बात सुनी कि तीसरी लहर कब आएगी कोरोना की, और जब तीसरी लहर आएगी तो क्या होगा। तीसरी लहर का अनुमान जो लगाया जा रहा है
वो सितंबर 2021 के बाद लगाया जा रहा है। सितंबर 2021 के बाद तीसरा लहर जो होगा वो भारत में आ सकता है। अब ये आएगा तो क्यों आएगा, ये भी आप समझिए। जिस रफ्तार से सरकार को और भारत की जनता को दूसरे लहर में काम करने की ज़रूरत थी, दूसरे लहर में जिस तरीके से गाइडलाइन को पालन करना था, वैक्सीनेशन का कार्य करना था, जांच करनी थी, वो नहीं हो रही है। अब तक पूरे भारत में लॉकडाउन कर देना चाहिए था, लेकिन केंद्र सरकार ने भारत में लॉकडाउन नहीं किया है, जिसको लेकर अब ये जो दूसरी लहर है वो धीरे धीरे आगे जाकर तीसरे लहर में कन्वर्ट होगी। वो सितंबर के बाद होगा। सितंबर अक्टूबर नवंबर में तीसरी लहर से हम सामना कर सकते हैं। अभी भी तीसरे लहर से बचने के लिए भारत के पास बहुत समय है। लगभग आप कह सकते हैं कि 5-6 महीने अगर भारत सरकार ने, भारत की जनता ने खुद अपने आप को संभाल कर रखा, सरकार ऑक्सीजन प्लांट लगा लेती है, उसकी कमियों को पूरा करने का पूरा कार्य पूरा कर लेती है, तब हम तीसरी लहर से बच सकते हैं और तीसरी लहर हम पर उतना इफ़ेक्ट नहीं डालेगी। आपको मैं ये एक बात और बताऊं कि पहली लहर जब होती है तो दूसरी लहर जब भी आती है तो दूसरी लहर को लोग उससे कम मानते हैं कि दूसरी लहर में उतना नुकसान नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट जो होता है वो बहुत ही घातक और भयानक होता है। लेकिन हिंदुस्तान के साथ ऐसा नहीं हुआ। हिंदुस्तान में जो पहली लहर थी वो उतनी घातक नहीं थी जितनी कि ये दूसरी लहर हुई। ये इसीलिए हुआ क्योंकि हिंदुस्तान लापरवाही में रहा, हिंदुस्तान की सरकार लापरवाह रही, हिंदुस्तान की सरकार ने ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा के लिए कुछ ठोस कदम नहीं उठाए, अस्पतालों की व्यवस्था सुदृढ़ नहीं की, जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसको ठीक नहीं किया, जनता ने भी पूरी तरह से 6 महीने तक लापरवाही लापरवाही की। अभी भी पूरे बिहार में लॉकडाउन लगा है और हमारे पीछे हम ये मुख्य चौराहा है, सड़क है, वहाँ से आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पूरी तरह से आप देखेंगे कि लापरवाही का मंजर साफ नज़र आता है, मौत आपके आँखों से के सामने से गुजर जाती है, एम्बुलेंस में बंद होकर लोग जाते हैं, लाशें निकलती हैं, फिर भी हम तीसरी लहर को न्योता देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और तीसरी लहर से लड़ने नहीं बल्कि मरने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं। मास्क नहीं पहनेंगे, भीड़ भाड़ में रहेंगे तो कहीं ना कहीं तीसरी लहर आप पर ज़्यादा असरदायक हो सकती है। भारत सरकार को अब इसके लिए क्या करना चाहिए, वैक्सीनेशन का जो कार्य है वो भारत में बहुत ज़ोर शोर से करना होगा। जिस तरीके से 18 साल से 44 साल के लोगों को वैक्सीनेशन देना था उस पर भी रोक लग गई है, वो भी कहीं से अटका हुआ है। उन चीज़ों को पूरी तरह से क्लियर करवाना होगा ताकि भारत की अधिकतर जनता वैक्सीनेटेड हो जाए, वैक्सीन ले ले, ताकि हम तीसरे लहर में उतने इफ़ेक्टिव ना हो। अभी भी हालांकि भारत की अगर 130 करोड़ जनता की बात करें तो वहाँ पर 20-22 करोड़ जनता ज़्यादा मायने नहीं रखती है, लेकिन कोरोना है। कोरोना के लहर की बात करेंगे तो दूसरे लहर में कोरोना ने अच्छा खासा रेशियो तय कर लिया है, एक अच्छा खासा उछाल जो कि आगे आया है कोरोना में, और 21 करोड़ 49 लाख कोरोना के मरीज़ अब आ चुके हैं। लोग बस अपने स्वास्थ्य, हेल्थ, इन सारी चीज़ों को छोड़कर बस पैसा 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 करते हैं, और जब जान चली जाती है तो वो पैसा काम नहीं आता है। तो आपको अपने हेल्थ के बारे में सोचना होगा, इम्यूनिटी सिस्टम को ठीक करने के बारे में सोचना होगा। आपके पास बहुत वक्त था, आपने 6 महीने में क्या किया, सरकार ने 6 महीने 7 महीने में क्या किया। सरकार ने तो चलिए चुनाव करवाएं, पॉलिटिकल गैदरिंग हुई, बिहार में चुनाव हुए, बंगाल, असम, पांडिचेरी, केरल वगैरह में चुनाव हुए, लेकिन जनता ने क्या किया, अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए जब तक कोरोना का लॉकडाउन लगा हुआ था और जब तक पहले फेज़ का डर था तब तक लोगों ने अच्छा खान पान किया, गिलोई पिया, सारी चीज़ें की, उसके बाद उन सारी चीज़ों को छोड़ दिया। फिर आप उसी स्तर पर आ गए, आप फिर कमज़ोर हो गए, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम फिर से डाउन हो गई, आप पर कोरोना अब हावी हो चुका है।
तो अभी बिहार में, बंगाल में, यूपी में, दिल्ली में दूसरे लहर का ये जो पीक आप सुन रहे होंगे कि पीक पर जाएगा कोरोना दूसरे लहर के बाद, तो ये पीक पर अब कुछ दिनों में चला जाएगा और एक भयावह स्थिति हो सकती है। पीक पर जब कोरोना जाएगा तो बिहार जैसे स्टेट में मरीज़ों की संख्या जो अभी 15,000 14,000 आप सुन रहे हैं वो सीधे 35,000 40,000 तक पर डे पहुँच जाएगी। स्थितियाँ ख़राब हो सकती हैं, इसलिए सरकार ने लॉकडाउन लगाया है, लेकिन नेशनल लॉकडाउन नहीं है, राज्य स्तरीय लॉकडाउन लगाए गए हैं। अभी भी लोग बाहर से आ रहे हैं, संक्रमित जगहों से आ रहे हैं, उनके जांच की कोई ठोस व्यवस्था नहीं है, जो कि कहीं ना कहीं घातक साबित हो सकती है। तीसरे लहर से बचने के लिए हमें अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बदलना होगा, उसे बनाना होगा, हमें मजबूत रहना पड़ेगा, वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी हो जाएगा और दोनों डोज वैक्सीन आपको लेना होगा, ताकि और उस दरमियान उससे पहले अगर हम ले लेते हैं तो ज़्यादा हमारे लिए इफ़ेक्टिव होगा। मास्क ऐसा नहीं है कि जब कोरोना का लहर हो या कोरोना हो तभी आप मास्क यूज़ करें, अब हमें आदत डाल लेनी होगी कि जब भी बाहर निकले तो मास्क पहन कर निकले और भीड़ भाड़ के जगहों से बचे। क्योंकि ऐसा नहीं था कि पहले चरण के बाद, पहले लहर के बाद कोरोना ज़ीरो हो गया था हिंदुस्तान में, कोरोना उस समय भी था, लगातार 200-300 ही लोग निकल रहे थे, तो कोरोना का संक्रमण था, हमने इसे ख़त्म खुद अपने मन में कर दिया। ये नहीं करना है, सुरक्षित रहना है, सतर्क रहना है, क्योंकि इसके वकील सहनी जी, लखिंदर राज जी, अभी लोगों को संभल के रहना होगा, ये तीसरा जो लहर आएगा उससे बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अब आप अगर इसे लापरवाही के तहत अगर इस पर ध्यान नहीं देते हैं, अभी भी लापरवाह बन कर रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आप दावत दे रहे हैं कोरोना जैसे संक्रमण को, कोरोना जैसे बीमारी को। अभी अगर बात करें तो पूरे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में 33,36,09,192 मरीज़ हैं, जो कि दोनों लहर के हैं, पहला लहर और दूसरा लहर दोनों मिलाकर 5,94,000 लोगों की मौत हो चुकी है। आप समझ लीजिए, रिकवरी रेट भी वहाँ बहुत अच्छी है, रिकवरी रेट की बात करें तो 26 करोड़ लोग ठीक भी हो चुके हैं। वहीं हिंदुस्तान और न्यू केसेस में, सीरियस केसेस में, देखिए हम एक पॉइंट आपको बताना चाहेंगे, सीरियस केसेस में मात्र 9,279 सीरियस केसेस हैं अमेरिका में। वहीं जो एक्टिव केसेस हैं, एक्टिव केस 66,69,775 हैं। हिंदुस्तान एक्टिव केसेस के मामले में दूसरे नंबर पर है और बलवान तरीके से बना हुआ है, कोरोना ने इसे इस तरीके से पकड़ा है। इंजीनियर संजय कुमार जी, वही लॉकडाउन का नज़ारा हम दिखा रहे हैं, यही है लॉकडाउन जो इफ़ेक्टिव नहीं है, इसी का असर है ये दूसरी लहर जो आ गई। अब तीसरे लहर की आशंका जताई जा रही है, चेतावनी दी जा रही है, ये इसीलिए दी जा रही है क्योंकि जनता और सरकार दोनों लापरवाही कर रही है। जनता भी एक तरीके से लापरवाह है कोरोना को लेकर, सरकार भी लापरवाह है, तो दोनों को अब समझना पड़ेगा। सरकार को पहले काम करना होगा, सरकार को ऑक्सीजन प्लांट अभी इतने पर्याप्त मात्रा में हिंदुस्तान में कर देना होगा। विशाल चौधरी जी रोड शो में, देखिए रोड शो भी होता है यहाँ पॉलिटिकल पार्टियों का, ये सारी चीज़ें जो है वो तबाह और बर्बाद करती है हिंदुस्तान को, इससे बचना होगा हिंदुस्तान को। और कम से कम अभी जितनी भी चीज़ें हैं, कम से कम जितने भी अभी पॉलिटिकल गैदरिंग वाली चीज़ें हैं, जैसे बिहार में पंचायत चुनाव होने वाले हैं, उसको टाल देना चाहिए एक साल के लिए। आप टाल दीजिए, अगर आपको बचना है, अगर आपको बचाना है तो आपको इन सारी चीज़ों से दूर रहना होगा। तो जिस हिसाब से बिहार में और भारत में अभी रेशियो बढ़ रहा है, अब देखिए अमेरिका में 9,279 लोग जो कि सीरियस हैं और हिंदुस्तान में 8,944 लोग सीरियस हैं, तो रेशियो अब तो ब्रजकिशोर जी, कमरान हैदरी जी, तीसरी लहर की हम बात कर रहे हैं, तीसरी लहर में क्या होगा, तीसरी लहर में
अगर यही स्थिति रहेगी लॉकडाउन की, यही स्थिति रहेगी लोगों के अपने आदतों की, तो तीसरी लहर से नहीं बच सकते हैं। देखिए मास्क आप नहीं लगाएं, मास्क लगा के चलिए, मास्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसे भी देखिए लोग भूल जाते हैं, जब हमने बोला उनको कि मास्क लगा लीजिए तो देखिए। शासन प्रशासन के साथ मुकेश पाठक जी, हम हमेशा कहते हैं कि शासन प्रशासन तो अपनी जगह है, उनको तो राजनीति करनी है, उनको तो अपना पॉलिटिकल उल्लू सीधा करना है। जो गधे को बाप बना लेते हैं समय पर, समय पड़ने पर, और फिर समय न पड़े तो बाप को भी नहीं पूछते हैं, तो उसी को राजनीति कहते हैं। तो उनकी बात ना करें तो ज़्यादा ज़रूरी ठीक रहेगा। चंदन कुमार जी, ब्रिज किशोर जी, लोगों को अब अपनी हित के बारे में सोचना होगा। जिस तरीके से हिंदुस्तान में मरीज़ों की संख्या बेतहाशा तरीके से बढ़ रही है, अभी तक टोटल केसेस जो पूरे हिंदुस्तान में मिले हैं वो डरा देने वाले हैं। अगर कोरोना वायरस संक्रमण की बात करें, 21,49,1598, चंदन कुमार जी, 21,49,1598। देखिए कुछ लेक्चर हम सुनते हैं अभी, कुछ कुछ आप देखेंगे कि अरे डरिए मत, आराम से रहिए, कोरोना नहीं है, और है भी तो मान लीजिए कि 2 करोड़ लोग इससे इफ़ेक्टिव होते हैं, और इतने होते हैं, हम नहीं हो रहे हैं, उस 2 करोड़ में हम नहीं आएंगे। इन सारी चीज़ों पर अगर बात करें तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। तो सरैयागंज टावर चौक से हम आपको ये सीधा प्रसारण दिखा रहे हैं, और कोरोना के तीसरे लहर की बात हम कर रहे हैं कि तीसरे लहर में क्या स्थिति रहेगी हिंदुस्तान का। और लापरवाही का मंजर जो कि अभी पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, उसको देखते हुए क्या करना चाहिए, इस तीसरे लहर से बचने के लिए क्या करना चाहिए। तीसरा लहर, आज का आंकड़ा मुकेश पाठक जी अभी तक नहीं आया। देखिए आंकड़ों का भी अब समझ में नहीं आता, आंकड़े जो हैं वो अब देर शाम आते हैं, मुजफ्फरपुर के आंकड़े देर रात आते हैं, तो उनको भी इन सारी चीज़ों पर सरकार को ध्यान देना होगा। टेस्ट बहुत कम हुआ है हिंदुस्तान में, टेस्ट का आंकड़ा बढ़ाना होगा, टेस्ट का आंकड़ा आपको बढ़ाना होगा, तब आप इन चीज़ों पर काबू पाएंगे और चीज़ें ठीक हो सकेंगी। टेस्ट का आंकड़ा अगर कम रहेगा तो भयावह स्थिति रहेगी। पूरी तरह से आपको इंजेक्शन लगवाना होगा, लोगों को वैक्सीन लगवाना होगा ताकि लोग बच सके। वैक्सीन आप ठीक से नहीं लगवा रहे हैं, वैक्सीनेशन एकदम कम है। 18 से 44 साल के जो युवा हैं, 18 से 44 साल के जो लोग हैं, उनको तो वैक्सीन लगा ही नहीं अभी तक, तो उनके जान के साथ खिलवाड़ क्यों। उनको भी वैक्सीनेशन लगना चाहिए, उनका भी वैक्सीनेशन होना चाहिए। ये सारी चीज़ मिस्टर मुन्ना कुमार ठाकुर जी, अभी देखिए अभी तक वो डेटा नहीं आया है बिहार का क्या है स्थिति। हम आज तीसरे लहर की बात कर रहे थे, आप लाइव को पूरा शुरू से आप लोग देखेंगे। शान अहमद जी, आकाश कुमार जी, आप कहीं जा सकते हैं, ज़रूरी काम है तब आप कहीं जाइए, और नहीं तो ये लोग खड़े हैं आपके लिए, अगर बिना मतलब कि आप कहीं जाएंगे तो, इसलिए बिना मतलब के बेवजह आप बाहर ना निकले, ये हम भी आपसे कहेंगे। मुजफ्फरपुर में देखिए रोज़ कहीं की स्थिति कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। कौन बोला? तो पूरी स्थिति को ठीक करने के लिए, और इस पर हम विशेष अब बात करते रहेंगे तीसरी लहर के बारे में, क्या करें कि तीसरी लहर से हम बच के रहें, क्या करे सरकार जो तीसरी लहर से बच कर रहे हैं। हमने पिछली बार भी कहा था
कि दूसरी लहर आएगी और इसे आराम से ना ले लोग, लापरवाही में ना ले लोग, इसकी परवाह करें। लोगों ने तो लापरवाही की ही। सोनू यादव जी प्रणाम। सरकार ने भी बहुत बड़ी लापरवाही की और सरकार अभी भी लापरवाही कर रही है। तीसरी लहर का इंतज़ार हो रहा है। ऑक्सीजन प्लांट लगवाइए, लोगों का टीकाकरण जोर शोर से करवाइए, जांच टेस्ट जो होता है उसको आप 10 गुना तक बढ़ाइए। कम से कम 130 करोड़ की जनसंख्या है भारत में और जांच कितना आप कर रहे हैं, जांच कितने लोगों का हुआ है? मात्र 20-25 करोड़ लोगों का जांच अब तक हुआ है, तो उसे बढ़ाना होगा। देखिए ये 29-30 करोड़ लोगों का अभी तक जांच सैंपल लिया गया है, तो इसे तो दवा लाना है। आकाश कुमार जी आप प्रिस्क्रिप्शन ले लें तब लिए तब जाएं। श्री कु मेहता जी नमस्कार। और आज हमने बहुत अच्छी चर्चा की है इस तीसरे लहर की, तो तीसरा लहर जो कि आने वाला है, विशेषज्ञों डॉक्टरों और जितने भी WHO ने सब ने आगाह किया है भारत को, इसे बचने की, संभल के रहने की, सतर्क रहने की ज़रूरत है। बिल्कुल बढ़ेगा। कमरान हैदरी जी, मुन्ना कुमार ठाकुर जी, प्रियांशु जायसवाल जी, आकाश कुमार जी, दवा लाने जाइए आकाश जी, कोई दिक्कत नहीं। लहर है और पीक पर जाएगा, तो इसके पहले ये थोड़ी है, सरकार को भी पता है कि 15 मई के बाद ही बिहार में कोरोना का ये दूसरा लहर पीक पर जाएगा, तो उस समय तो लॉकडाउन लगाना ही पड़ेगा। तो 15 मई के बाद भी लॉकडाउन रहेगा, उसे बढ़ाया जाएगा, इसलिए आप लोग निश्चिंत से अपने अपने घरों में रहें। क्योंकि देखिए कुछ गलतियां हैं सरकार की, गलती की है सरकार ने, अगर पहले इन्होंने कर दिया होता तो मुझे नहीं लगता कि ये समय बढ़ाना पड़ता, लेकिन इन्होंने गलती की है, इन्होंने देरी की है, इसलिए अब झेलना तो पड़ेगा जनता को। किराना स्टोर टाइम सब्जी मीट मांस मच्छी किराना दूध दही मतलब डेयरी उत्पाद ये सब 7 बजे से 11 बजे सुबह तक, बस 4 घंटे ये सारी दुकानें खुली रहती हैं, आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किराना स्टोर भी 4 घंटे खुली रहती हैं। तो आज हमने एक अच्छे मुद्दे पर बात की, तीसरी लहर और ये दूसरा लहर क्यों आया, क्योंकि हमने लापरवाही की। कोरोना ये लॉकडाउन का टाइम क्यों बढ़ेगा, क्योंकि हम लापरवाही कर रहे हैं, हम लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन नहीं कर रहे हैं, हम अभी भी घर से निकल रहे हैं, बहाने बना रहे हैं, हम घर से बाहर निकल रहे हैं, हम कुछ भी इसमें कोई कारण नहीं है, ऐसे ही लोग निकल रहे हैं कि हाँ हम निकलेंगे, मानेंगे नहीं। लोग सिगरेट पीने के लिए, पुड़िया खाने के लिए, गुटखा खाने के लिए निकलते हैं, और यहाँ देखिए यहाँ अर्थियाँ भी निकल रही हैं। देखिए ये सच्चाई, यहाँ अर्थियाँ भी निकल रही हैं और पूरा पैक है, मतलब कोरोना पॉजिटिव ये भी हैं जो जिनकी मृत्यु हुई, तो ये भी निकल रही है, लोग निकल रहे हैं, साथ साथ जनाजे भी निकल रहे हैं। इसीलिए मजाक में प्रवेश खान जी, विकास राज जी अब नहीं लेना होगा, कोरोना मजाक नहीं है। और मजाक जिन्होंने लिया है, मजाक जिन्होंने बनाया है, वैसे ही 2.25 लाख लोग मरे भी हैं। जो मजाक में जो इसको लापरवाही आप लापरवाही कह सकते हैं, जिनके परिवार के लोग लापरवाह थे, जो खुद लापरवाह थे, वैसे 2,34,083 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं भारत में। इसलिए अब संभलने की ज़रूरत है, बचने की ज़रूरत है, सतर्क रहने की ज़रूरत है। आप सब से हम यही देखिए, प्रियांशु जायसवाल जी, वैसे लोगों को तो मारना चाहिए जो अभी भी सब्जी और किराने की दुकान खोल कर बैठे हैं, वैसे लोगों को लाठी डंडा लगता है, तो लोग बोलते हैं कि ये नहीं होता है पुलिस। और ये एक भाई साहब सुजीत कुमार जी मुझे मानवाधिकार की बात समझा रहे थे, मानवाधिकार जिंदा रहेंगे तभी आप कर सकते हैं, मरने के बाद मानवाधिकार नहीं होगा। और पुलिस एकदम यहाँ पर ढीली है ही, पुलिस तो कुछ उतना एक्शन नहीं कर रही है, और जनता को क्या है, जब पुलिस के डंडे पड़ेंगे तब हम सीधा रहेंगे, तब हम ठीक रहेंगे।
नहीं तो बाहर में जाए, हमें कोई मतलब नहीं है, समाज से हमें कोई मतलब नहीं है, कोरोना से हमें कोई मतलब नहीं है, किसी चीज़ से। परवेज़ खान जी, पुलिस भी कुछ नहीं कर रही है क्योंकि हम नहीं सुधर रहे हैं ना, हम नहीं सुधर रहे हैं तो क्या होगा। CTSP हम सुधरेंगे तब जग सुधरेगा, तब सारी चीज़ें होंगी, लेकिन लोग सुधर नहीं रहे हैं। तो बस बच के रहना, सतर्क रहना, सावधान रहना, यही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि कोरोना के संक्रमण से हम बचे रहें। मिल कभी नहीं मिलेगा, मनीष भारती जो मोहल्ले में अगर दुकान होगी आपकी कोई मिल की तो वहाँ मिल सकता है, लेकिन ऐसे तो मिल्क पार्लर बंद ही है। मोहल्ले में अगर कोई दुकान हो आपकी तो वहाँ पर आप ट्राई कर सकते हैं। बने रहें, हम आपको आगे भी जानकारियाँ देते रहेंगे और सतर्क सावधान करते रहेंगे, अवेयर करते रहेंगे। रिकवर भी हुए हैं लोग, वो भी अच्छी बात है, रिकवर भी हो रहे हैं, जो वही रिकवर हो रहे हैं जो समझ रहे हैं और लापरवाही से बच रहे हैं वो रिकवर भी हो रहे हैं, और जो लापरवाह हैं तो अपनी जान भी खो रहे हैं। शादी में मैक्सिमम 50 लोग शामिल हो सकते हैं, 50 लोग से ज़्यादा शादी समारोह में भीड़ भाड़ नहीं लगाना है। उस पर 3 दिन पहले आपको शादी की जानकारी स्थानीय थाने में देनी है। तो बने रहें बिहार लाइव नाउ के साथ, तब तक अपने होस्ट और दोस्त मुकेश चौरसिया को दीजिए इजाज़त। आगे फिर जैसे ही बिहार के कोरोना रिपोर्ट्स आते हैं, अपडेट्स आते हैं, हम आपको बताएंगे और पूरा अपडेट हम देंगे। आप हमारे पेज को लाइक करना, फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी जानकारियाँ मिलेंगी, सटीक जानकारियाँ मिलेंगी और पुख्ता तरीके से मिलेंगी, समय पर मिलेंगी। इसीलिए बने रहें बिहार लाइव नाउ के साथ, तब तक अपने होस्ट और दोस्त मुकेश चौरसिया को दीजिए इजाज़त। मनीष भारती जी, राहुल कुमार रंजन जी, आकाश जी, इसलिए मैं कहता हूँ आकाश जी कि आप पेज को लाइक कर लिया आपने तो बहुत अच्छी बात है। अब लाइव होगा, 1 घंटे के अंदर हम लाइव फिर करेंगे। तब तक के लिए गुड डे, बाय बाय, नमस्कार।